ऑपोजिशन जलसा, नई कुर्बता और नई सियासी हलचल का पेश खैमा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की कल जेल मुलाकात मुतवक्। कमर जमानकारा ने सुपरिंटेंडेंट जेल को खत लिख दिया। ऑपोजिशन क्यादत की जाति उम्रा में बड़ी बैठक, खाने दावत पर पीडीएम क्यादत मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो समेत दीगर की आइंदा हिकमत अमली, अस्तीफा स्ट्रेटेजी, लॉन्ग मार्च और एहतजाजी मुजाहरों पर बातचीत। मॉडल टाउन इजलास, मुस्लिम लीग नून की इस्तीफा स्ट्रेटेजी फाइनल। लीगी अराकी ने पार्लियमान को 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करवाने का हुक्म। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मरियम नवाज समेत दीगर शरीक हुए। जलसे की कामयाबी पर खिराज तहसीन। ऑपोजिशन जलसे के आफ्टर शॉक्स, नए मुकदमात और जुर्मानों का नया शिकंजा। ग्रेटर इकबाल पार्क के ताले तोड़ने पर दो मुकदमात, अमला की तबाही, तारीखी विरसे की पामाली पर मुकदमा होगा। मरियम नवाज समेत दीगर लीगी कायदीन नामजद होंगे। सरकारी अमलाक के बगैर इजाजत इस्तेमाल पर करोड़ों का जुर्माना भी प्लान। अदायगी का नोटिस राना मकबूल, समीउल्लाह खान, मुबशिर जावेद को जाएगा। कीमतों में इजाफा, क्यों, कैसे और किसके लिए? अवाम की जेबों पर खरबों का डाका, अजब करप्शन की गजब कहानी। पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट पेश, चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म। रिमार्क थी कि रिपोर्ट आम होने के पीछे कानून की मंशा है। अदालत का कमीशन के सरबराह को बहरान के जिम्मेदारों को तायुन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पेट्रोल बहरान, मेगा करप्शन की दास्तान। कीमतें मुकर्रर करने का तरीका बहुत सीधा और पुराना। पेट्रोलियम मसनूआत का 1,88,000 टन इम्पोर्ट ही नहीं हुआ। गोरख धंधे में 9 कंपनीज ने 5 अरब कमाए। पेट्रोलियम कमीशन बदउनवानी के ताने बाने सामने ले आया। 66 ऑयल कंपनीज हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। निर्ख बदलने से 4 दिन में कौम को 2 अरब का इजाफी झटका सहना पड़ा। पंप की मालिक कंपनी को भी 1,000 टन का कोटा मिला। रिपोर्ट में इंकशाफ। कोरोना गजबनाक, मोहलिक वायरस मसीह 7 चाने ले गया। 143 नए मरीज रिपोर्ट, उखड़ती सांसों के साथ 86 वेंटिलेटर्स पर हैं। मारूफ मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन हो गए। अकीदतमंदों से दुआओं की दरख्वास्त। हफीज सेंटर बहाली का काम मुकम्मल। आतिशजदगी से मुतासर फ्लोर्स इसी हफ्ते खोलने का फैसला। साबिक सेक्रेटरी जनरल हफीज सेंटर शेख फयाज ने खुशखबरी सुनाई। इम्पोर्टेड चीनी अफसरान के मौज मेले, पंजाब हुकूमत को 23 करोड़ का टीका। 5,71,00,000,000 की चीनी पहुंच कर 5,96,00,000,000 की हो गई। इजाफी रकम ट्रांसपोर्टेशन अफसरों के तिलों पर खर्च हुई। हर जाना आवाम में महंगी चीनी की सूरत पर आ। लाहौर ठंडा ठार, शहर में सर्दी की लहर। दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मौसम अबर आलूद, लाहौर ये एहतियात करें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। सर्दी में इजाफा, गैस सप्लाई में कमी। घरों के चूल्हे जलाने के लिए बंद की गई सीएनजी सप्लाई 24 घंटे बाद बहाल। गैस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर होने पर बहाल की गई। वजीर आजम एलडीए सिटी का संगे बुनियाद रखाने का मंसूबा। वजीर आला की डेडलाइन ने काम दिखा दिया। एलडीए सिटी प्रोजेक्ट में अचानक तेजी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने 4,000 किनार रकबे की डेमोरेक्शन शुरू कर दी। वर्जिन अटलांटिक का पाक बरतानिया ऑपरेशन का आगाज। एयरपोर्ट पर तकरीब में गवर्नर पंजाब की शिरकत। फीता काटकर कंपनी दफ्तर का इफ्तिताह। नए ख्वाहिशात का इजहार। वर्जिन एयरलाइन की लाहौर के लिए लंदन से पहली परवाज की भी आमद। बरतानवी काउंसिल काने के अमले, एयरपोर्ट हुकाम ने इस्तकबाल किया। अपोजिशन का लाहौर जलसा, वजीर आला पंजाब इस्लामाबाद चले गए। वजीर आजम की जिले सालत इजलास में उस्मान बुजार पीडीएम जलसे की रिपोर्ट पेश करेंगे। ऑपोजिशन तहरीक से निमड़ने के लिए हुकूमत हिकमत अमली से आगाह करेंगे। पुलिस में गुड गवर्नेंस का बहरान, आईजी के अहकाम नजरअंदाज। एसपी अनुज मसूद चौधरी ने ताहाल चार्ज नहीं छोड़ा। खातून एसपी को एसएसपी अब्दुल गफ्फार से तलकलामी पर 11 दिसंबर को तब्दील किया गया।
हरासगी इल्जामात की बाउंस से विकेट पर बाबर आजम की मुश्किलें नहीं, मातहत अदालत में समाअत, खातून को रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए मोहलत, क्रिकेटर की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा मुसरत, कल फिर सुनवाई होगी। काबिल सातदा और जहीन तुलबा के लिए खुशखबरी, अमरीकी यूनिवर्सिटीज की जानिब से आला तालीम स्कॉलरशिप का ऐलान, PhD प्रोग्राम के लिए 10 जनवरी दरखास्तों की आखिरी तारीख, उम्र की हद असातदा के लिए 40, तुलबा के लिए 35 साल। पुलिस में काली भेड़े, जुर्म वर्दी में छुप गया, दाखिली एहतसाब चैलेंज बन गया, पंजाब पुलिस के 1103 अफसरान और एहलकार जुर्म पेशा निकले, लाहौर के 96 अफसर एहलकार भी क्रिमिनल, सख्त कार्रवाई का फैसला, रिपोर्ट तलब। जुर्म रहे ना मुजरिम बचे, तेज रफ्तार तफ्तीश, इबरतनाक अंजाम हदफ, जुर्म की सरकूबी के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के इख्तियारात बढ़ाए जाए, केसेस की डिजिटल मॉनिटरिंग मौसर बनाई जाए, IG की जरिए सारत इजलास में हम फैसले, तजावीज पर गौर, पुलिस यूनिफॉर्म और रैंक्स की हतमी मंजूरी पर भी बात। एंटी करप्शन इन एक्शन, कायद आजम इंटरचेंज पर गैर कानूनी तामीरात का इल्जाम, मजीद इंक्वायरी के लिए MPO मेन मुगल को नोटिस, 16 दिसंबर को फिर तलबी, MPO पर मेडिकल छुट्टियों के लिए जाली नुस्खे बनवाने का भी इल्जाम, मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवा ली गई। सहाफी बिरादरी के लिए खुशखबरी, सहाफी कॉलोनी F ब्लॉक के तरक्याती कामों का आगाज, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मनसूबों का इफ्तिताह किया, खुसूसी तकरीब में सेक्रेटरी इतलात राधा जहांगीर अनवर ने ब्रीफिंग दी। उदार वापसी का तकाजा जान ले गया, निश्तर कॉलोनी में फायरिंग से शहरी कत्ल, मुजरिम फरार, 85,000 की वापसी का तकाजा बजाय तनासा करार, लाश मुर्दा खाने मुंतकिल, पुलिस की तहकीकात जारी। बल्दिया अमला गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुतहर, कलंदरपुरा हरबंसपुरा में ऑपरेशन, 3 गैर कानूनी इमारत मुकम्मल, 2 तामीरात जुज़्वी मुस्मार, 6 सील कर दी गई। और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अलील हो गए, नबील अमान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ICU में जेरे इलाज, डॉक्टर्स की एंजियोग्राफी की तजवीज़।